श्रीम क्लीम ऐ मर्मश्याउ जानात वितरण विंतर मम्स जानदेम करो करो ओम रीम श्रीम क्लीम ऐ मर्मश्याउ जानात वितरण विंतर मम्स जानदेम करो करो अयु वल्ले विलासम सकलें सुखपले दृगायत्वा सुनलभम दीनम दीनम शरीरम निरूपम पनियातनो तच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पेत्यंत तृणस्पद चैवतापम कांतिम शांतिम समाधि वितरंतु जगता मुत्मा शांति धर संभुजिकानां प्रतिपालकानां यति दिशामानित बोधनानां ऋषस्य राष्ट्रस्य पुरस्य यज्ञ करोतु शांति भगवजिनेन्द्र करोतु शांति भगवजिनेन्द्र करोतु शांति भगवजिनेन्द्र जमले आदिनाथ भगवान की भगवान के शमोसरण की छत्रत्रयं तवि विभाति ससांके कांत मुचेष्टेदं स्थगिते भानुकरपितापं मुक्ताफलं करि जाले बिभेदि शोभं प्रख्यापयाति जगिता परमेश्वरतम् ॐ ऋषिष्टपद्र मध्ये छत्रतम स्थापयामि चमन ले लेंगे कन्ना विदाते चले चामर चारु सोभम विभ्राजते तवि बपो कल धोते कांतम उदस सांग सजीने विजर वारे धारा मुचेष्टि तम सरे गिरे निविशाते कौंभम ओम श्रेष्ठ पात्र मध्ये चामृजेद्यम स्थापयामि जमने आदिनाथ भगवान की भगवान के शमोसरणी की जय जय जय। बंधु हम सभी को प्रतिदिन पूज्य बड़े बाबा के महामस्तक अभिषेक शांति धारा जैसी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी क्रम में आज पुनः आप सभी का परम सौभाग्य कैसे जनेंद्र भगवान के दरबार में आप सभी का अभिषेक शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके तदुपरांत हम सभी का श्री जनेंद्र भगवान के दरबार में 108 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से कलश करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो शीघ्र भाव बनाएंगे जिस किसी के भाव बनाए पूज्य बड़े बाबा के दरबार में रिद्धि मंत्र के माध्यम से कलश करने का परम सौभाग्य अस्तकानी पूज्य बड़े बाबा के दरबार में यदि किसी के भाव रहेंगे हो कि मैं अभिषेक चुक गया और तो अभी भी आपके पास एक अवसर बाकी है, आप अंतिम कलश पूज्य बड़े बाबा के यहाँ पर करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी के भाव बढ़ रहे हैं शीघ्र शीघ्र भाव बना लें। बड़ी सुपावे अस्यकारी पूज्य बड़े बाबा के दरबार में रिद्धि मंत्र के माध्यम से कलश करने का परम सौभाग्य 11,000 से बोली प्रारंभ की जाती है। परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंग सुदासा गजी महाराज जब इस पावन पुनीत धरा पर आए थे तब उनका आना भी एक अवसर था। आने के बाद ऐसे जिनेंद्र भगवान के दरबार में सभी इंद्र यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे तीर्थोदत्ती क्षेत्र गोलकपुर जी में जब परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंग सुदास संघ जी महाराज का सत्संग आगमन हुआ तब उनका आना भी एक अवसर था। आने के बाद ऐसे जिनेंद्र भगवान के दरबार में यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के चरण स्पर्श करते हैं। यूं तो पूज्य गुरुदेव को हम लोग कहते रहते थे पूज्य गुरुदेव इस तीर्थोदत्ती क्षेत्र गोलकपुर जी पधारिए, बहुत अच्छा सुंदर क्षेत्र है और आदिनाथ भगवान की मूल्यायक प्रतिमा है, अवसरकारी प्रतिमा है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कभी आना होगा, कभी आना होगा, उनकी अनुबोधना एक दिन काम आती है और पूज्य गुरुदेव इस तीर्थोदती क्षेत्र गोलकपुर जी में आते हैं जहाँ विराजमान है। वहाँ पर जंगल हुआ करता था, समस्त प्रतिमाएं इस गुफा में विराजमान हुआ करती थी और इस गुफा में जैसे ही पूज्य गुरुदेव प्रवेश करते हैं और जैसे ही जिनेंद्र भगवान के चरणों को ऐसे स्पर्श करते हैं उनके हाथ ऐसे फेंक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहां पर खड़ी एक शिक्षण देवी देवता ये बोल रहे हैं कि हे पूज्य गुरुदेव ऐसे जिनेंद्र भगवान को उच्च स्थान दिया जाए, ऐसे जिनेंद्र भगवान को उच्च स्थान दिया जाए। और बस पूज्य गुरुदेव बाहर आते हैं समाज के लोगों से बोलते हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान को उच्च स्थान दिया जाए और समाज के लोग उस दिन से मात्र जी ही बोलते हैं, इसके आगे ना कुछ, मात्र जी का उच्चारण ऐसा हुआ कि ऐसे जिनेंद्र भगवान उच्च स्थान पर विराजमान हुए। और उच्च स्थान कैसा कहते हैं कि यूं तो मैंने क्षेत्रों को हजारों क्षेत्रों को बना दिया लेकिन गोलकपुर जी मैंने कुछ नहीं किया, मात्र एक कमला सिंहासन एक बेदी बना के कमलासन पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर दिया। और इस क्षेत्र का विकास देखिए, जहां पर 2013 में
1200 रुपए क्षेत्र की आमदनी हुआ करती थी, आज देखिए इस क्षेत्र का विकास देखिए, इससे 84 समाज के क्षेत्र का विकास देखिए और आने वाले यात्री के का भी विकास देखिए कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर वह पहुंच रहा है। जैसे पूज्य बड़े बाबा का आशीर्वाद जब से दृष्टि खुली है, जब से इस क्षेत्र पर पूज्य बड़े बाबा का आशीर्वाद बरसने लगा और अब तो पूज्य बड़े बाबा का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है जहाँ पर पूज्य बड़े बाबा विराजमान होंगे। बंधु ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दरबार में पूज्य गुरुदेव जब आए तो एक दो दिन की बोल के आते हैं, लगातार 48 दिन रुकते हैं और 48 दिन की समय में वे ऐसी साधना करते हैं, ऐसा घोर तप करते हैं, भगवान और भक्त के संबंध में बीच में ऐसा संबंध बनता है कि 1008 रिद्धि मंत्र की रचना होती है। ऐसे रिद्धि मंत्र के माध्यम से 108 कलश हम सभी को पांडुक्षिणा पर करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जिस किसी की भाव भर रहे हो मात्र 11000 रुपए की प्रारंभिक बोली के माध्यम से आपको यह कलश करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंतिम अवसर है, इसके बाद आपको पूज्य बड़े बाबा की कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तो जिस किसी के भाव भर रहे हो कि मैं अभी अभिषेक चूक गया पूज्य बड़े बाबा का, तो वहां पे जरूर जरूर रिद्धि मंत्र के माध्यम से कलश करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी के भाव है क्या श्रीकृति सिंह भावना ने? एक तो होता है जो हमारे घर पर एक सामान्य कलश हुआ करता है और एक होता है जो मंदिर जी में कलश हुआ करता है।